मशहूर टिकटॉकर नदीम नाली वाले को कर दिया पुलिस ने अरेस्ट। आखिर क्या वजह थी इसको अरेस्ट करने की, पूरी बात आपको इस डिटेल में बताता हूँ। ये वही नदीम नाली वाला है जो लोगों को फ्री में आईफोन बांटा करता था। इसने जो गाड़ी डकी भाई से ऑडी ली थी, डकी भाई ने तो उसको यूज कर ली, लेकिन अभी तक ये नदीम नाली वाला यूज कर रहा था उसको। तो इसके अंदर इसने क्या करा, इसने जाली नंबर प्लेट लगा दी। जाली नंबर प्लेट वो नंबर प्लेट नहीं है कि चोरी वाली गाड़ी है तो नंबर प्लेट लगाए, नहीं, इसने अपनी मोहब्बत का इजहार करा। मोहब्बत का इजहार क्या करा, नंबर प्लेट का मैं आपको नाम बताता हूँ कि नंबर प्लेट में कौन सा नंबर था, IK 804। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि जो उनके चाहने वाले हैं कि IK 0804 वो क्या नंबर है। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि IK 804 क्या है, बस इन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर लिया था IK 804 जो उन्होंने अपनी गाड़ी पे लगाया था। लेकिन हुआ ये कि जब वो रोड पे, मेन रोड पे ये गाड़ी लेके निकले तो उन्होंने उनको ये पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उनको इस बात पे अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गाड़ी इस बात पे जब्त कर ली गई क्योंकि उन्होंने जाली नंबर प्लेट लगाई थी, क्योंकि कागजात में उनकी ये नंबर प्लेट रजिस्टर्ड नहीं थी IK 804 की। आपको बताता हूँ कि नदीम नाली वाले अभी भी जेल के अंदर हैं या नहीं है। तो अभी वो जेल के अंदर नहीं है, अभी उनको जो है रिहाई मिल गई है, उनको जमानत मिल गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है उनके चाहने वालों के लिए कि उनको रिहाई मिल गई है, उनको जमानत मिल गई है। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि वो कुछ दिनों तक सोशल मीडिया से हटे रहेंगे और कुछ टाइम के बाद वो इस बात का पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि असल में उनके साथ हुआ क्या। तो यही थी आज की छोटी सी अपडेट जो मैंने आपको देना जरूरी समझी, क्योंकि नदीम नाली वाले को बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये उनके फैंस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि आखिर उनके साथ असल में हुआ क्या था। तो आप लोग टेंशन नहीं लें क्योंकि नदीम नाली वाले जो है अरेस्ट होके जमानत से बाहर आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।